साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहाँ के किसानों, यहाँ के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। जिन आदिवासी गांवों में पहुंचते ही पहले मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे, आज उन्हीं गांवों में मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है। और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही तो सबका साथ सबका विकास है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ 2-2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। ये आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था, जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है।